तुमने पुरुष से प्यार किया, लड़के से क्या फर्क पड़ता है? एक लीगल शादी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, मन या फिर तन, यही डिसाइड करने में आजकल सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है। अब होमोसेक्सुअलिटी भले ही लीगल हो गई हो, लेकिन LGBTQ कम्युनिटी की मुसीबतें सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो क्या है इस कम्युनिटी की प्रॉब्लम और ये सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में क्यों है, और क्या इससे आपकी और हमारी फैमिली पर कुछ असर पड़ सकता है? It's a unisex song. In 1861, इंडिया में गे रिलेशंस को ब्रिटिश पीनल कोड के सेक्शन 377 ने एक क्रिमिनल एक्ट बनाया था। इस कानून के हिसाब से जो भी सेक्सुअल एक्ट ऑर्डर ऑफ नेचर के अगेंस्ट होता था, उस पर 10 साल तक की जेल हो सकती थी। अब इस कानून का इस्तेमाल ज्यादातर होमोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों को निशाना बनाने के लिए होता था, जिन्हें इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। हाउएवर, टाइम बीतने के साथ साथ इन लॉज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो गई। होमोसेक्सुअलिटी को पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में अलाउ कर दिया था। कोर्ट ने कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज करके सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अपनी जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कानून LGBTQ कम्युनिटी के लोगों की डिग्निटी, प्राइवेसी और इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, और इसीलिए इसे बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के लिए ये डिसीजन किसी फेस्टिवल से कम नहीं था, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि फाइनली उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस और लॉज में इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन को ये कहकर पलट दिया कि इस कानून में बदलाव करना पार्लियामेंट का काम है, ना कि कोर्ट्स का। एज अ रिजल्ट सेक्शन 377 फिर से लागू हो गया और LGBTQ कम्युनिटी वॉज बैक टू स्क्वायर वन। कई सारे NGOs और LGBTQ ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस फाइल की और ये रिक्वेस्ट की कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू करे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब लोगों को अपना पार्टनर चूज करने का राइट तो मिल गया, पर जो नहीं मिला वो था उनकी शादी को वैलिडेशन। इंडिया में जब भी कोई हेट्रोसेक्सुअल कपल मैरिज करता है तो उनकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन उनके पर्सनल लॉस और मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है। हाउएवर, जब भी कोई इंटरफेथ या इंटरकास्ट कपल मैरिज करना चाहता है जिसमें सोसाइटी या फिर फैमिलीज का अप्रूवल ना हो, तो ऐसे केसेस में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का इस्तेमाल होता है। इस एक्ट में एक गवर्नमेंट ऑफिसर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच एक सिविल मैरिज करवाता है। लेकिन इस एक्ट में भी मैरिज मेन और वुमेन के बीच में ही होती है। LGBTQ कम्युनिटी की ये डिमांड है कि इस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए, ताकि उनकी शादियों को भी एक लीगल रिकॉग्निशन मिल सके। वैसे इस डिमांड का कारण कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो ये कम्युनिटी सदियों से फेस करती आ रही है। गे कपल्स अपने पार्टनर को किसी भी इंश्योरेंस, पेंशन या फिर इनहेरिटेंस स्कीम में नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। गे कपल्स सरोगेसी से पेरेंट्स भी नहीं बन सकते, इवन उन्हें अडॉप्शन भी एज अ सिंगल पेरेंट करना होता है, और जो भी अडॉप्ट करता है उसके पार्टनर का उस बच्चे पर कोई भी राइट नहीं होता। गे कपल्स अपने पार्टनर को अपनी प्रॉपर्टी का शेयर नहीं दे सकते हैं, और ना ही अपने पार्टनर्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गे कपल्स को सोसाइटी और फैमिली से डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर उनकी शादी को एक लीगल बैकिंग मिल जाए तो काफी हद तक इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। LGBTQ कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स अगर एक साइड रिफ्लेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट का भी इस मैटर पर काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। फर्स्टली, गवर्नमेंट बिलीव्स कि फैमिली हमारी सोसाइटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और क्योंकि कोई भी होमोसेक्सुअल मैरिज प्रोक्रिएशन का पर्पस फुलफिल नहीं करती, इसीलिए ऐसी मैरिजेस वैलिड नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, गवर्नमेंट होमोसेक्सुअल कपल्स की पेरेंटिंग पर भी काफी सारे क्वेश्चंस रेज करती है। इट बिलीव्स कि एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में फादर और मदर दोनों ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और होमोसेक्सुअल कपल्स अपने अडॉप्टेड बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। साथ ही साथ इससे बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी भी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। लास्टली, गवर्नमेंट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये मानना है कि ऐसे लार्जर इश्यूज में कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में होता है, ना कि जुडिशरी में। अब ऐसा भी नहीं है कि इस बारे में चर्चा सिर्फ आज के वक्त में हो रही है, इस पर चर्चा और बहस बीते कई सालों से चल रही है। जहां एक तरफ सिनेमा पिछले कई सालों से होमोसेक्सुअलिटी पर एक्टिवली बात कर रहा है, वही साथ में लिटरेचर में भी ये डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है। इंडियन राइटर्स 1940 से ही
होमोसेक्सुअलिटी पर खुलकर साहित्य लिख रहे हैं। 1941 में इस्मत चुगतई ने अपनी कहानी लिहाफ में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में लिखा। ऑल्दो इस्मत को इसके बैकलैशेस जैसे कुछ लीगल केसेस भी झेलने पड़े। अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो कई राजाओं की कहानियों में भी ये सारी चीजें काफी खुलकर दिखी है। एग्जाम्पल के लिए पद्मावत में दिखाए गए अलाउद्दीन खिलजी। पर ऐसा क्या है इस मुद्दे में कि जितनी बार भी ये मुद्दा उठा उतनी बार शोर के साथ उठा। बहुत से लोगों को अब तक ऐसी चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं है और उन्हें एकदम से ये बातें सुनने को मिलती है तो उनके लिए ये सब समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो उन्हें अनकंफर्टेबल कर देता है। हमने अब तक हमारी वीडियो में ये समझाने की कोशिश की कि LGBTQ कम्युनिटी के मुद्दे क्या है और क्यों सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। बट लेट्स सी कि लोगों के अंदर कितना अवेयरनेस है। सो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर अबाउट द वर्ड LGBTQ कम्युनिटी? परेड, हेटरोसेक्सुअलिटी, गेज, फुल फॉर्म आ रहा है यार दिमाग में। बता दो फुल फॉर्म। बाइसेक्सुअल, बीटी, ट्रांसजेंडर, क्यू, क्यूएफ, प्लस में और भी एसेक्सुअल और सब सारा कर सकते हैं। मतलब लीगलाइज ऐसा कुछ इशू नहीं है। फ्रीडम। Do you think same-sex marriage should be legalized in India? If yes, why? If no, why? अभी लीगल नहीं है। लड़का है तो लड़की से शादी करेगा एंड ऑल। यार इश्क ना प्यार किसी से भी हो सकता है। अब जो भी जनरेशन है उनको इतना कुछ इशू होगा नहीं इन सब चीजों से। Everyone should have a choice. Someone has that choice to go about, then they should have this right. लीगल होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर किसी का मन है तो कर ले, इसको कोई कंट्रोल ना करे ये चीज़ें। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। हमने हमारी वीडियो में समझने की कोशिश की कि हमारे यूथ के अंदर कितनी अवेयरनेस है LGBTQ कम्युनिटी को लेकर और उनके क्या थॉट्स हैं सेम सेक्स मैरिज को लेकर। वैसे प्राइड मंथ शुरू हो गया है, सो वेरी हैप्पी प्राइड मंथ। एंड हमारी यही कोशिश थी कि हम प्राइड मंथ में अवेयरनेस रेज करें हमारे यूथ के बीच में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना हाउस ऑफ अफेयर्स को।